व्हाई मैथ इज इम्पोर्टेंट, तो मैथमेटिक्स क्यों इम्पोर्टेंट है और कौन कौन से टॉपिक के ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए एज अ पेरेंट्स बच्चों के मैथमेटिक्स को इम्प्रूव करने के लिए, उसके बारे में ये वीडियो है, तो ध्यान से देखें, राइट। तो यहाँ पर चार पॉइंट्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है उसके बारे में जाएंगे हम आगे। सो यहाँ पर नंबर वन आता है लाइफ ऑर्डर। तो जो भी हमारी लाइफ है उसे ऑर्डरिंग करने के लिए मैथमेटिक्स एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है, राइट। उसके बाद हम बात करते हैं डिफिकल्टी को प्रिवेंट करने के लिए। तो मैथमेटिक्स अगर पावरफुल है, हमारा मैथ्स अगर पावरफुल है, तो हम जो भी डिफ़िकल्टीज हैं उसे उसका सामना करने के लिए हम एक डिफेंस रेडी कर सकते हैं, राइट। तो ये एक इम्पोर्टेंट रोल है मैथमेटिक्स का। उसके बाद हम बात करते हैं मैथमेटिक्स के पावर के बारे में। तो जो पावर है वो तो अनलिमिटेड है मैथमेटिक्स का पावर, लेकिन यहाँ पर कुछ टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहला है रीजनिंग। रीजनिंग यानी कि लॉजिक अगर डेवलप है तो आप कोई भी चीज़ कर रहे हो उसका सामना थिंकिंग प्रोसेस से, वो राइट है या रॉन्ग, हम कर सकते हैं, राइट। दूसरी बात करते हैं हमारी क्रिएटिविटी की। जो भी हम कर रहे हैं उसमें क्रिएटिविटी अगर हो तो वो काम बढ़िया बन जाता है, तो ये इम्पोर्टेंट है मैथमेटिक्स का। दूसरा है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का। तो जो चीज़ नहीं आई है उसे सोच कर उसे अप्लाई करना, उसे बनाना, तो वो भी मैथमेटिक्स की बदौलत आता है, राइट। उसके बाद हम क्रिटिकल जो थिंकिंग है उसके बारे में बात करें तो वहाँ पर भी मैथमेटिक्स एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, हम काफ़ी काम ऐसे होते हैं जिसे आधा करके छोड़ देते हैं, जहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स का हमें सामना करना होता है, राइट। तो यहाँ पर अगर मैथमेटिक्स हमारा पावरफुल है और हम प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी हमारे अंदर है तो कोई भी काम हमारे लिए मुश्किल नहीं है, राइट। इवन इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए भी मैथमेटिक्स इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, राइट। तो ये हो गई बात पावर की। अब हम इमेजिन कर सकते हैं कि क्या मैथमेटिक्स नहीं हो तो हम हमारी लाइफ आसानी से जी सके, नहीं, राइट। तो यहाँ पर हम कुछ बातें हम देखते हैं। तो सबसे पहले आता है कुक और बेकर। तो कुक और बेकर भी मैथमेटिक्स के बिना एक अच्छे कुक या बेकर नहीं बन सकते। फार्मर टू कारपेंटर, इंजीनियर डॉक्टर साइंटिस्ट, और अगर आप जॉब कर रहे हो या तो बिजनेस कर रहे हो, वहाँ पर भी मैथमेटिक्स एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है, राइट। तो ईच एंड एवरी, हम में से कोई भी बाकात नहीं है जो मैथमेटिक्स के बिना अपनी लाइफ को जी सके, राइट। तो मैथमेटिक्स हर एक पर्सन के लिए इम्पोर्टेंट है, खास करके जब हम कोई भी नई चीज़ें कर रहे हैं तो वहाँ पर भी कैलकुलेशन होनी चाहिए। तो लाइफ में कोई भी काम ऐसा नहीं है जहाँ पर मैथमेटिक्स इम्पोर्टेंट नहीं रखता, राइट। तो ये चीज़ें हैं जिससे हम जाने के मैथमेटिक्स को क्यों हमें डेवलप करना चाहिए, हमें उसकी जो एबिलिटी है वो इंक्रीज करनी चाहिए, हमारी मैथमेटिकल जो स्किल है उसे इम्प्रूव करना चाहिए, राइट। तो यहाँ पर हम बच्चों के बारे में बात करेंगे। तो बच्चों का मैथ्स कैसे डेवलप किया जाए और उन्हें कैलकुलेटर से भी तेज कैसे किया जाए, उसका एक निचोड़ है, उसका सॉल्यूशन है हमारे पास, राइट। तो हम जाते हैं हमारे नेक्स्ट प्रेजेंटेशन की ओर, जहाँ पर हम बात करेंगे ये सारी। तो मैं हितेंद्र हूँ और मेरी जो एज अ ब्रेन डेवलपमेंट ट्रेनर जर्नी स्टार्ट हुई थी 2007 में, और इतने सालों में हमने काफ़ी सारे ऑब्स्ट्रैक्ट का सामना किया और तब जाकर हमने ये एक ऑनलाइन पोर्टल रेडी किया जिसमें हम बच्चों की हेल्प कर सकें, राइट। तो ये जर्नी में हमने काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी देखी जहाँ पर हमने बच्चों का जो कॉन्सेंट्रेशन है, मेमोरी है, उनकी लर्निंग एबिलिटी है, मैथ विजार्ड है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, ये डेवलप करने के लिए हमने काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स का सामना किया और उनका सॉल्यूशन हमने निकाला, राइट। तो एज अ पेरेंट्स हमने काफ़ी टाइम बोला होगा कि बेटा ध्यान से पढ़ो, कॉन्सेंट्रेट करो, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन करने के लिए ना तो हम बच्चों को सिखाते हैं, ना हमारे पेरेंट्स ने हमें सिखाया, ना हमारे टीचर सिखा रहे हैं, ना बच्चों के टीचर सिखा रहे हैं। तो यहाँ पर कंप्लेन करके छोड़ देते हैं, लेकिन सिखाता कोई नहीं है, राइट। तो ये जो कोर्स है वो इसी वे पर डिज़ाइन किया है कि मैथमेटिक्स को तो हम इम्प्रूव करेंगे ही करेंगे, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन को भी हम इम्प्रूव करें,
राइट, फोकस को इम्प्रूव करें। क्या आप जानते हो कि कैसे कॉन्सेंट्रेशन किया जाए? हैं नहीं। तो यहाँ पर हमारे पास ऊपर वाले ने बहुत सारे रिसोर्सेज दिए हैं जिसका यूज़ करके हम कॉन्सेंट्रेट कर सके, जिसमें से है हमारे सेंसेस। तो फिजिकल टच, विजन, हियरिंग, टेस्ट और स्मेल, जो टेस्ट हमारे सेंसेस है उसका मैक्सिमम यूज़ अगर पर्टिकुलर टॉपिक पर किया जाए तो हम कॉन्सेंट्रेशन कर पाएंगे, राइट। और कॉन्सेंट्रेशन डेवलप होगा तो हमारी मेमोरी भी इम्प्रूव होगी और लर्निंग एबिलिटी और विजुलाइजेशन स्किल, फोटोग्राफिक मेमोरी, ये सारी स्किल्स भी डेवलप होगी। तो हम बात करते हैं हमारे प्रोग्राम के बारे में। वोल ब्रेन डेवलपमेंट प्रोग्राम है जो एबेकस टूल पर डिज़ाइन किया हुआ है। एबेकस एक एंसेंट कैलकुलेटर है जिसकी खोज 2 से 5 हज़ार साल पहले हुई थी, राइट। तो ये मेंटल मैथ्स डेवलपमेंट प्रोग्राम है जिससे बच्चे कैलकुलेशन में कोई भी ले लो, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन विद एबेकस सीखेंगे और आगे जाके वो विदाउट एनी इंस्ट्रूमेंट, पेन एंड पेपर के बिना कोई भी कैलकुलेशन करके आपको बता देंगे। तो यहाँ पर हमने काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स, मैंने जैसे बताया कि 2007 में हमारी जर्नी स्टार्ट हुई थी और तब से लेकर अब तक हमने काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स का सामना किया, नॉट ओनली हमारे एंड से, एज अ स्टूडेंट, एज अ पेरेंट्स और एज अ फैकल्टी हमने काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स का सामना किया और उसका निचोड़ हमने ऑनलाइन यहाँ पर निकाला है, राइट। तो उसके बारे में हम बात करते हैं आगे। अब जो एबेकस इंस्ट्रूमेंट है, जहां पर जब बच्चे कैलकुलेशन करना स्टार्ट करेंगे तो 3 सेंसेस का यूज होगा। फिजिकल टच एबेकस के बीट्स का रहेगा, उनका जो विजन है उसे देखेंगे कितना बीट एडलेस करना है, और तीसरा जो स्टेप्स है वो बोल के लिसन करेंगे जिससे स्टेप बाय स्टेप उनका कॉन्सेंट्रेशन डेवलप हो। कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो उनकी मेमोरी भी बढ़ेगी। अब यहाँ पर हम बात करते हैं फोटोग्राफिक मेमोरी की, राइट। तो फोटोग्राफिक मेमोरी क्या है? बचपन से लेकर अब तक कोई भी चीज़ सीखते हैं हम, उसके पीछे एक इमेज लेते हैं, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, लेकिन वन के लिए कोई पर्टिकुलर इमेज नहीं है, हम न्यूमेरिक में देखेंगे। अप टू 10 शायद हम कोई इमेज कैप्चर कर सके, जैसे कि बटरफ्लाई या बॉल या पेन, राइट। लेकिन 5001 के लिए कौन सी इमेज हम कैप्चर कर पाए? नहीं कर पाए। तो यहाँ पर जो एबेकस टूल है, तो एबेकस टूल फिजिकली बच्चे जब करेंगे तो उसके माइंड में, उनके माइंड में बीट्स की इमेज आएगी नंबर को लेकर। तो वन फॉर, ये जो फर्स्ट इमेज आप देख रहे हो वन के लिए, तो लोअर बीट्स की वैल्यू 1 है, तो और बीच में जो पार्टीशन है उसके नीचे अगर टच हुआ है, नीचे 4 बीट्स आते हैं, ऊपर 1 बीट आता है जिसकी वैल्यू होती है 5, तो ये 1 हो गया। ये बाजू में जो इमेज है उसमें 1010, तो 10s की प्लेस पर है 1 और 1s की प्लेस पर कुछ नहीं, यानी 1010। ये 3 रोज यानी 1s, 10s एंड 100s की रोज पर 1 बीट है, तो 100 हो गया, राइट। ये 1919 कैसे? तो 1 है 10s की प्लेस पर बीट टच बीम से, और यहाँ 1s की प्लेस पर 1 अबव में जिसकी वैल्यू 5 होती है और 4 लोअर में, तो 5 प्लस 4 हो जाएगा 9, 1919। ये हो गया 1515, ये 104। तो इसी तरीके से 5001 की इमेज कैप्चर बच्चे करेंगे इस तरीके से। अब आपने देखा होगा कि फोटोग्राफिक मेमोरी कैसे हेल्प में आती है। चलो थिंक करो, आप एक घर में हो, आपके घर में हो, लाइट चली गई, अंधेरा हो गया, आपके पास कोई भी डिवाइस नहीं है आजू बाजू में लाइट करने के लिए, तो आप क्या करोगे? इजीली किचन में जाओगे, बीच में अगर स्टेयर्स है या फिर टेबल है या कुछ भी चेयर्स है तो उसकी ठोकर नहीं लगेगी, क्योंकि वो हमारे माइंड में फिट है उसका पूरा मैप। तो अंधेरे में भी हम जाएंगे, मैच बॉक्स लेंगे और लाइट कर लेंगे। तो ये हो गई फोटोग्राफिक मेमोरी जिससे हम इजीली मूव हो सकते हैं। तो इसी तरीके से एबेकस पर जब बच्चे सम्स करते हैं फर्स्ट लेवल में, सिंगल डिजिट के टोटल 8 लेवल्स हैं, हम आगे बात करते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जाएंगे तो आफ्टर 90 डेज बीट्स को वो नंबर, बीट्स उन्हें हेल्प करेंगे नंबर को कन्वर्ट करने के लिए। तो कैलकुलेशन वो विदाउट एनी इंस्ट्रूमेंट, विदाउट पेन पेपर, लिसन करके ही आपको आंसर दे पाएगी फोटोग्राफिक मेमोरी की वजह से। उसके साथ साथ उनका लेफ्ट एंड राइट, तो लॉजिकली ब्रेन तो डेवलप होता ही होता है, उसके साथ साथ उनकी क्रिएटिविटी, उनका विजुलाइजेशन स्किल, उनका फोटोग्राफिक मेमोरी, उनकी क्रिएटिविटी, सेल्फ कॉन्फिडेंस, डिसीजन मेकिंग पावर, ये सारी स्किल्स भी इसके हेल्प से इंक्रीज होती है, राइट। तो ये प्रोग्राम में हम फन भी करेंगे और लर्न भी करेंगे।
तो ये प्रोग्राम आपको कहीं पे भी जाना नहीं है, आना नहीं है। जैसे हमने पहले बात की थी कि काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स एंड ऑफ पेरेंट्स हम बात करें तो हाई अमाउंट ऑफ फीस पे करना, उसके बाद आपको पिक एंड ड्रॉप करना, सैटरडे और संडे वीकली क्लासेस होते थे तो वहाँ पर आपको अगर कहीं फंक्शन में जाना है तो वो मिस हो गया, तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी एंड ऑफ आवर प्रॉब्लम्स। तो हम अगर बात करें हमारे प्रॉब्लम के बारे में तो एक ही चीज़ हमें बार बार पढ़ानी होती थी, उसके बाद बच्चे जब आते थे तो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ हम ज़्यादातर नहीं कर पाते थे, उनका चेकिंग नहीं हो पाता था डेली, तो ये सारी प्रॉब्लम्स का हमने सामना किया। एज अ स्टूडेंट अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो काफ़ी सारे साई होते हैं तो जो पूछते नहीं हैं, राइट। तो यहाँ पर वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई कि वो वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो में रिपीट का बटन है, जितनी बार चाहे उतनी बार रिपीट कर सकते हैं, पूछने की ज़रूरत नहीं है, राइट। उसके बाद प्रैक्टिस की बात करें तो प्रैक्टिस भी हमने ऑनलाइन रखी है, जिससे क्या होगा कोई भी चेकिंग में देर नहीं लगेगी, सबमिट किया और चेक हो गया, ऑन स्क्रीन उन्हें रिजल्ट मिल गया। उसके साथ साथ आपको एक मेल में रिजल्ट मिलेगा कि बच्चे ने इतने सम्स किए और इसमें से इतने राइट है, सेम मेल हमें मिलेगा तो हम भी ट्रिगर कर सकेंगे कि बच्चे की क्या प्रोग्रेस है। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो आज इंडिया में काफ़ी सारे स्टेट्स में हैं, तकरीबन हर एक स्टेट्स में है, और USA, कैनेडा और बहरीन में भी हैं हमारे स्टूडेंट्स, राइट। 2016 में इस जर्नी की शुरुआत हुई थी विधि से, विधि USA की स्टूडेंट है, मेरा जो इंस्टीट्यूट है वो आनंद अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया का नाम तो आपने सुना ही होगा, राइट। तो वहाँ पर हमारे सेंटर्स हैं, लेकिन विधि रहते थे USA में, उसके कुछ पेरेंट्स आए हमारे पास और उन्होंने इंक्वायरी की कोर्स की और फिर बोला कि हम रहते हैं USA में, वहाँ कैसे हो पाएगा। तो मैंने काफ़ी सारे एड्रेसेस दिए, लेकिन वहाँ पर उनका मेन इंटेंस ये था कि मैं उनको पढ़ाऊँ। क्यों? क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स उनकी फैमिली से बिलोंग करते थे जिनका अच्छा रिजल्ट था और टीचिंग अच्छा था, राइट। तो हमने स्टार्ट किया 2016 में, अभी उसका 8 लेवल कंप्लीट हो गए हैं और स्टेप बाय स्टेप हमारे माइंड में आया और ये पूरा पोर्टल हमने रेडी किया, जिससे हर कोई स्टूडेंट आउट ऑफ इंडिया है या तो फिर इंडिया के अंदर है वो इस कोर्स का बेनिफिट ले सके और खुद को मैथमेटिकली विजार्ड कर पाए। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, कोई भी नंबर हो इजीली उसका आंसर आ जाए। बाजू में है आर्या, तो आर्या भी अभी 4th लेवल में है, वो भी USA से है, राइट। तो ये टेस्टिमोनियल आप पढ़ सकते हो। टोटल होते हैं 8 लेवल ईच ऑफ 3 मंथ्स और टोटल ड्यूरेशन रहेगा कोर्स का 2 ईयर, अप्रोक्स 2 ईयर, राइट। लाइफ टाइम एक्सेस रहता है तो आप कभी भी इसे वापस से कर सकते हो कोर्स को, राइट। टोटल अमाउंट ऑफ फीस की बात करें तो ये फीस पहले पे करनी होती थी 3000 रुपीज़ लेवल पर लेवल फीस, 600 रुपीज़ रजिस्ट्रेशन फीस और एग्जामिनेशन का 300, तो फर्स्ट लेवल का हो गया 3900। ये आपको पे नहीं करना है, ये आपकी प्रॉब्लम जो थी उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, राइट। अगर हम बात करें पूरे लेवल, पूरे कोर्स की, 2 साल के कोर्स की, तो 3300 एग्जामिनेशन के साथ पर लेवल इंटू 8 करेंगे तो 26,400 और फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन 600 को मिलाकर हो जाता है 27,000 रुपीज़। हाई अमाउंट ऑफ फीस पे करने के बाद भी आपको पिक एंड ड्रॉप तो करना ही होगा, आपको फंक्शन छोड़ना ही होगा, राइट। तो ये सारे प्रॉब्लम्स हमने फेस किए और ये ऑनलाइन हमने निचोड़ निकाला, जहाँ पर आपको कहीं भी कोई भी फंक्शन मिस नहीं करना है। आप अगर कहीं कंट्री के बाहर भी गए, सिटी के बाहर भी गए और आपके पास इंटरनेट कनेक्शन के साथ डिवाइस है तो आप क्लास ऑन कर सकते हो, राइट। दूसरी बात, अगर उस दिन नहीं करना और नेक्स्ट डे आके वापस करना है या 2 दिन बाद वापस आकर करना है या 1 वीक लेटर करना है तो भी आप वही जगह से स्टार्ट कर सकते हो, राइट। तो ये सारे जो प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन हमने ऑनलाइन निकाला। ऑनलाइन हर एक स्टूडेंट का एक यूज़र आईडी पासवर्ड बनेगा और वीकली वहाँ पर टास्क हुआ जो उनको कंप्लीट करना है।
हर वीक का अलग अलग टास्क होगा। हम आपको एबेकस टूल और बुक भी सेंड करेंगे जिसमें आपको कंप्लीट करना है, और कंप्लीट करने के बाद डेली ऑनलाइन प्रैक्टिस भी करनी है। उसके साथ साथ ये कोर्स है रूबिक्स क्यूब प्रोग्राम, जो आपको मिलेगा इस कोर्स के साथ फ्री, वर्थ 999। टोटल वैल्यू अगर हम बात करें इस कोर्स की तो हो जाती है 27,999, लेकिन ये आपको पे नहीं करना है, आपको सिर्फ करना है 4,999, राइट। तो 4,999 में आपको 1 लेवल से लेकर 8 लेवल तक सारा कोर्स, एबेकस का मेंटल मैथमेटिक्स कोर्स, और उसके साथ साथ रूबिक्स क्यूब प्रोग्राम जो क्यूब सॉल्व करने के लिए डिज़ाइन किया है, और उसका बेनिफिट क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंड, उसका क्रिएटिविटी, बहुत सारी स्किल्स उससे भी डेवलप होती है। तो ये पूरा बंच आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 4,999, राइट। लेकिन आप ये खास पेज पर हो, और खास पेज पर हो तो खास ऑफर भी आपके लिए है। अगर आप अप्लाई करते हो आज ऑल इन वन कोड, और ये लिंक पर जाकर ये चेकआउट के दौरान ये ऑल इन वन अगर आप एनरोल करते हो कूपन कोड, तो आपको ये पूरा कोर्स मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 2,999। अब आप सोचोगे ये कोर्स कैसे एक्सेस करना है। तो यहाँ पर एनरोल करने के बाद यूज़र आईडी पासवर्ड आपका बनेगा, और यूज़र आईडी पासवर्ड बनने के बाद हम आपके घर पर विद इन इंडिया, बाहर भी भेजेंगे लेकिन विद इन इंडिया आपको एबेकस टूल और बुक फ्री ऑफ कॉस्ट आपके घर तक मिलेगी, राइट। अगर आप फॉरेन में हो तो आपको मिलेगा बुक एंड एबेकस, लेकिन उसका एक नॉर्मल जो शिपिंग कॉस्ट है वो आपको पे करना पड़ेगा, राइट। तो ये मिलेगा, उसके बाद आप कोर्स को स्टार्ट कर सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम हो, हम ऐसा नहीं बोल रहे कि प्रॉब्लम नहीं आती है, ये पढ़ते हुए भी प्रॉब्लम आती है। कभी कभार ऐसा होता है कि सम एकदम इजी होता है, लेकिन कंफ्यूजन के वजह से बच्चे वो सम को नहीं कर पाते। तो नीचे जो भी कोर्स आप एक्सेस कर रहे हो वहाँ पर व्हाट्सअप बटन रहेगा, वहाँ पर क्लिक करनी है, पेज नंबर के साथ वहाँ पर मैसेज आ जाएगा, और वहाँ पर आपको प्रॉब्लम भेजनी है, उसका सॉल्यूशन हम आपको एज सुन एज पॉसिबल सेंड करेंगे, राइट। वो लाइव होगा या तो फिर वीडियो ट्यूटोरियल के थ्रू होगा। तो ये पूरा बंच आपको मिलेगा, नीचे जो बटन आपको दिख रहा है उस बटन पर जाकर अभी क्लिक करो, क्योंकि ये 2,999 की ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए है, और ऊपर जो 4,999 है वो इसके बाद, यानी जो नीचे टाइमर है वो कंप्लीट होने के बाद आपको उस अमाउंट में ये कोर्स मिलेगा। और अभी काफ़ी सारे सेटिस्फाइड हमारे स्टूडेंट्स हैं और एक्सेस कर रहे हैं ये कोर्स, उसमें आपके बच्चे भी एनरोल करें इस अमाउंट में। ये अमाउंट एग्जामिनेशन फीस ही है, जिसमें हम मटेरियल और ये वेबसाइट पोर्टल हम रन कर पाए, इस वजह से ये छोटी सी अमाउंट हम ले रहे हैं अभी, राइट। आगे जाके ये फीस इंक्रीज होगी, लेकिन अभी तो हम मैक्सिमम स्टूडेंट्स को मैथमेटिकली विजार्ड करने के मिशन पर हैं। तो ये पेज आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए, और ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। आपका दिन अच्छा रहे, और आपके बच्चे सेफ रहे, मैथमेटिकली विजार्ड रहे, सेल्फ कॉन्फिडेंट रहे, उसी वजह से हमने ये कोर्स डेवलप किया है। तो नीचे जाकर एनरोल करिए।